हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर है आपका अपना भाई प्रदीप यादव नई वीडियो के साथ। और आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हो तो वीडियो को देखो और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना यार। तो पहले वीडियो देखो, फिर मिलते हैं आपको वीडियो के एंड में। हाय, माय नेम इज प्रदीप यादव एंड व्हाट्सएप वीडियो नहीं, मतलब कुछ आपसे हेल्प लेना, इसलिए मैं आया। कितना गुस्सा कर रहे हैं, मुझे डर लग रहा है। नहीं, आप अपना इंफॉर्मेशन दीजिए। मेरा नाम प्रदीप यादव है। आपका नाम क्या है? किस तरह का हेल्प चाहिए आपको? मतलब पहले हम क्या बोलते हैं उसको, पहले हम अभी किसी और वे में थे, बीच में थे। नहीं नहीं, मतलब आप वैसे उतना थोड़ा बोलते हैं ना तो डर लग रहा है कि बताएं या नहीं बताएं सर। एक्चुअली मेरे साथ प्रॉब्लम ये है ना कि बचपन से आज तक सिंगल चल रहे हैं, समझे? तो आपसे ये ट्रिक लेना है ना कि हमको, मतलब क्या बोलते हैं उसको, गर्लफ्रेंड बनाने का ट्रिक पता करना। नहीं, मतलब ये कौन सा हेल्प चाहिए? प्लीज यार बता दे, क्योंकि बचपन से अभी तक अखंड सिंगल चल रहे हैं कसम से। कपल बैठा वहाँ भी, कपल बैठा वो लोग से पूछ सकते हैं। पूछ क्या है, ये बता। क्या प्रॉब्लम सिंगल रहने में? सिंगल रहने में तो कुछ नहीं। आपको कैसे पता कि सिंगल में खुश रहता है? हम लोग खुश हैं। अब मतलब ऐसा जरूरी थोड़ी है कि सिंगल में खुश रह सकता है, हो सकता है मिंगल होगा तो भी खुश रह सकता है। तो मिंगल से पूछिए कि हम लोग सिंगल हैं। वो देखिए वहाँ एक औरत वहाँ, मतलब इसके बारे में आप लोगों को कोई आइडिया नहीं है। सपोज दैट, अगर जैसे मतलब एग्जांपल बता रहे हैं, बस गुस्सा मत कीजिएगा ठीक है, क्योंकि आप वैसे बोलते हैं तो थोड़ा डर लगता है मुझे। मतलब हेल्प चाहिए तो कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है क्या? क्या नहीं, मतलब हम आपसे एग्जांपल दे रहे हो, जैसे एग्जांपल ये दे रहे थे कि मतलब अगर हम को, मतलब आपको अप्रोच करना है तो किस टाइप का, मतलब क्या बोल सकते हैं इसको। नहीं नहीं, मतलब आपको करना नहीं है, मतलब हम पूछ रहे हैं कि क्या करने से लोग हमारा मेंटालिटी वेस्ट नहीं है ना, तो हम नहीं बता सकते, कोई आइडिया नहीं। यार प्लीज हेल्प कर दो, गरीब का भला हो जाएगा, ऐसे क्यों कर रहे हो आप लोग? आइडिया ही नहीं है, उस पे हम लोग जाते ही नहीं, और अप्रोच क्या करना है, बैठ जाके कह दो उससे, पसंद होगा तो वो बोल देगी, अदरवाइज। अच्छा, मतलब डायरेक्ट जाके आलिया भी बोल दें? नहीं, आई लव यू कैसे बोलना, कैसे, मतलब इसलिए तो कुछ रहना। फ्रेंडशिप से स्टार्ट कीजिए, अगर वो पसंद करती होगी तो वो भी कन्विंस होगी, बात बात करेंगी। अगर पसंद होगा तो बोल देंगे, डायरेक्ट कोई भी चीज़ कहने से तो वो भाग जाएगी वहाँ से डर के। डायरेक्टली नहीं बोल सकते? नहीं नहीं, पहले फ्रेंड बनाना होगा और उसके बाद मतलब बात करना होगा दो चार पाँच दिन। हाँ, नॉर्मली बातें करना है, ज़्यादा फ्लो में नहीं बैठ जाना से भी ज़्यादा। अब वो तो लड़की पर डिपेंड करता है ना, और आप पर डिपेंड करता है। दो चार दिन बात कीजिएगा, आपके माइंड में वो चीज़ है बहुत ज़्यादा, तो आप कह दीजिए, एक्सेप्ट करना होगा कर लेगी, नहीं करना होगा मना कर देगी। अच्छा, हाँ डायरेक्टली मना कर दी तो फिर दोबारा उसके हाथ लगना ही नहीं है ना। अब मना कर देगी तो अपना भी सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, जब मना कर दी तो वहाँ जाना क्यों, तो गिरा हुआ इंसान। अब वो लड़की पर डिपेंड करता है वो किस टाइप की है। अच्छा, मतलब कोई भी लड़की पसंद आया तो पहले फ्रेंडशिप करना उसे, तो स्टार्टिंग कैसे करें, मतलब स्टार्टिंग कैसे करें उससे, यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना। अगर वो ज़्यादा नोन है तो मुझे कोई आइडिया नहीं मेरे पास। नहीं नहीं, मतलब थोड़ा सा फ्रेंड सर्कल में है तो फिर फ्रेंड के थ्रू हो सकता है बात। जैसे हम एक जगह ट्यूशन जाते हैं स्पोकन क्लास, मतलब एक लड़की है जो अच्छी लगती है हमको, तो उससे कैसे बात करें? स्टडी को लेकर बातें बातें कीजिए, फ्रेंड ही बनाने में फायदा, कुछ दिन दो चार दिन में नहीं काम चलेगा। हाँ, मतलब अच्छा, पढ़ाई से रिलेटेड कुछ बात करना होगा? हाँ, पढ़ाई से रिलेटेड ही बात करना है ज़्यादा, उसको ज़्यादा मतलब क्या कहें, अटेंशन ज़्यादा नहीं देना उसको, ज़्यादा अटेंशन देंगे तो वो देख लेगी हर यार मेरे पीछे पड़ा हुआ है, तो वैसे भाव खाएगी। अच्छा, नॉर्मली बिहेव करना है कि हाँ बस लाइक अ फ्रेंड है, बहुत पोलाइटली रहना है। वो तो फिर क्लास में ही बात होगा ना, और अगर इंस्टा वगैरह चाहिए तो कैसे कर सकते बात? अरे तो इतना जल्दी कुछ नहीं होगा, जब तो फिर मतलब कितना दिन, एक महीना, दो महीना, चार महीना, वही तो आपसे पूछ रहा हूं। स्टडी से स्टार्ट कीजिए, वो बाकी ऑटोमेटिक हो जाएगा, फ्रेंडशिप हो जाएगा, धीरे हो जाएगा। पढ़े लिखे या पढ़ने वाले लोग गर्ल्स को अच्छे लगते हैं, थोड़े समझदार आपको अपना स्टेटस ठीक बना के रखना है, उसके सामने
और उसके बाद बात करने के बाद तो पता चल ही जाएगा कि किस लिए ऑटोमेटिक आपसे करेगी, आप स्टडी के लिए बात करोगे या कुछ प्रॉब्लम कॉल वगैरह करोगे साथ में, अच्छाई देखेगी तभी कुछ कर सकती है। हाँ, उसको वही किस चाहिए। अच्छा, मार और ये भी देखने कि वो किस टाइप की लड़की है, उसको क्या पसंद है, किस टाइप के लड़के, स्टाइलिश या थोड़े सिंपल, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है ना, लड़कियों का अलग अलग। तो अगर वो हमको मतलब उसको नोटिस करना है कि उसको किस टाइप का लड़का पसंद है तो फिर कैसे पता चलेगा, कैसे बातें करने से पता चलेगा वो किस टाइप की है, कैसी है, मतलब है अच्छी है और क्लास में जो है ना मतलब पढ़ने लिखने में भी ठीक ठाक है, हाँ पूरा फ्रेंकली रहती है, तो सही है। तो वही तो प्रॉब्लम है ना कि स्टार्टिंग कैसे करना है, इतना डर लगता है ना, मतलब ये नहीं आ रहा कुछ बता दो कि वो मारेगी थोड़ी, मारेगी वेपन लेकर बैठी है क्या, लेकिन कुछ पूछना ही पड़ेगा ना कैसे। हाँ, स्टडी से स्टार्ट कीजिए तो अच्छे वे में जाएगा, क्योंकि कुछ टॉपिक रहना चाहिए बात करने का ना, अब बिना टॉपिक आप किसी से बात करो तो वो इंसान इरिटेट होगा आपसे, जैसे आप हो रहे थे अभी। हाँ, नेसेसरी बात कोई नहीं करना, आने के बाद तो हमको लगा ऐसा कि कहीं चाटा ना मार दे, आप इतना जोर से गुस्सा किए कि थोड़ा डर ही लग गया मुझे तो। नहीं, हम लोग मतलब टॉपिक ही कुछ वैसा था गुस्से वाला, तो शायद वही एक्सप्रेशन रह गया अप्लाई हो गया उधर, वरना ऐसा कुछ नहीं है। तो ट्राई कीजिए जाके, स्टडी के थ्रू ट्राई कीजिए। ठीक है, देखो वैसे आपका शुभ नाम नाम जान के क्या कीजिएगा, अभी हुआ नहीं ना है, मतलब याद रहेगा ना कि हाँ एक लड़की थी इस नाम की जो मुझे हिंट दी थी कि लड़की को जाके गलती में काम हो जाएगा तब नाम देते हैं हम लोग, यहाँ पे मिल जाएंगे आप, यहाँ नहीं मिलेंगे ना फिर आपकी तरफ, हम लोग यहीं पे आके बैठते हैं, इसलिए तो इतना फ्रीली बैठ के मैं यहाँ बातें कर रही हूँ। अच्छा, ऐसा है, उसके बाद हम लोग यहीं पे आके बैठे, तो मिल जाएंगे, काम हो जाए तब। अच्छा, और काम नहीं होते तो फिर आप लोग का भी ट्रिक तो फेल हो गया ना उस हिसाब से। नहीं, हमारा ट्रिक कभी फेल नहीं होता, अगर आप उस चीज़ पे खड़े होते हो तो फेल पे नहीं, इंसान के ऊपर होता है, एज अ गर्ल बता दिए जो होना चाहिए वो चीज़। अच्छा, एक्चुअली मैं बता दूँ आपको कि ना मेरा यूट्यूब में चैनल है और उधर कैमरा लगा हुआ है, प्रैंक वीडियो शूट कर रहे हैं उधर, वहाँ वो लड़का जो है ना लेकर बैठा होगा। तो कैसी लगी हमारी वीडियो, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और कौन सा पार्ट अच्छा लगा बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइए, और यार आप लोग के सजेशन से वीडियो बनाना है तो मतलब किस टाइप का प्रैंक देखना चाहते हो आप लोग वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि उससे मुझे आसानी होता है कि हमको किस टाइप का प्रैंक लेकर आना है। सो थैंक यू सो मच दोस्तों।